कोई भी स्पेशल कब्रिस्तान बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। दीन इस्लाम में गुंजाइश कहाँ है? अगर कोई भी मौलवी, कोई भी मुफ्ती मुझे ये बताए, मुझे सेटिस्फाई करे, मैं माफी मांगूंगा अल्लाह ताला से भी और तमाम इनके वर्करों से, तमाम इनके खानदानी लोगों से कि मैंने गलती की। लेकिन यहाँ तो शहीद मलगुजार है, वहां की शहीदों को हमने ग्लोरीफाई नहीं किया। रविंदर रैना साहब को इजाजत मिली, आजाद साहब को नहीं मिली, आप अल्लाह ताला से क्या जवाब दोगे अल्लाह ताला के सामने कि आपने रैना साहब को जाने दिया और आजाद साहब को नहीं जाने दिया? ये इस पर भी सियासत। देखिये, आपने जो पूछा मुझसे, मुझे बड़ा अफसोस है कि जो गुलाम नबी आज़ाद साहब जब फातह पढ़ने के लिए मुफ्ती साहब की उस कब्र पे गए, मुझे लगता है मुसलमान गुलाम नबी आज़ाद साहब को जाने देना चाहिए था। अगर ये गलती पीडीपी ने की है या पीडीपी के किसी वर्कर ने की है या किसी उनके ओहदेदार ने की है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कौम से। रविंदर रैना साहब को आप आने देते हो, बहुत सारे लोगों को आपने वहां जाने दिया, लेकिन आजाद साहब और उसके साथ जो मुसलमान लोग थे वो तो फातह पढ़ने के लिए जा रहे थे, उसमें कोई ये नहीं था, सियासत नहीं थी। बेशक मुफ्ती साहब के किसी रिश्तेदार ने आजाद साहब को ज्वाइन किया, न मेरा लेना देना सियासी पीडीपी के साथ कुछ है, न मेरा लेना देना कोई आजाद साहब की पार्टी के साथ है। लेकिन चूंकि एक सवाल है, ये सवाल सवाल इस्लाम पर है, ये सवाल हमारे मजहबी सवाल है, ये सवाल फातह पर है, ये सवाल मकबरे का है, ये सवाल कब्र का है, तो कम से कम हमें यह बताना चाहिए उन गफलत के सियासतदानों को, इन गफलत के पुतलों को, कि ये फातह पढ़ने अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जा रहा था, आपने कौन से इख्तियार दीनी लाए और इनको रोका? कम से कम इस चीज का ख्याल रखिए। गारत वहां है, सही है या गलत है मैं वो नहीं जानता, शेख साहब की कब्र पे गारत अब तक है, मुझे नहीं पता उनकी उनकी कब्र को क्यों गार्ड किया जा रहा है, लेकिन ताला लगाना ना, ऐसा कहीं सुना है? मुझे लगता है गवर्नमेंट को एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए, इस्लाम में कोई भी स्पेशल कब्रिस्तान बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। चीफ मिनिस्टर हो, आला से आला सोहाबी हैं, या हमारे मजहब में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, कब्र सबकी एक है। हमारा मजहब यही कहता है, या तो इन कब्रिस्तानों को खुला छोड़िए और आम लोगों को भी वहां दफन करने की इजाजत दे दीजिए। यह किसी की मीरास नहीं है, यह किसी की जागीर नहीं है कब्रिस्तान। मुझे यह समझ नहीं आता है कि यह इतना ग्लोरीफाई अपने कब्रों को क्यों करना चाहते हैं, क्यों उस जो मर गया है उसको अजाब कर रहे हैं ये लोग। मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि जहां जहां कब्रें हैं, चाहे वो शेख साहब का कब्रिस्तान है, चाहे वो मुफ्ती साहब का कब्रिस्तान है, मेहरबानी करके आम इंसानों को वहां इजाजत दी जाए, जितने वहां दफन हो सकते हैं वो दफनाने चाहिए, क्योंकि ग्लोरिफिकेशन इन मजारों की है नहीं कि ये कोई बड़ा बुजुर्ग थे, चीफ मिनिस्टर थे, लोगों ने चुना था, ठीक है, लेकिन ऐसी चीजें मुझे नहीं लगता है कि हमें करनी चाहिए। हम मुसलमान कहते हैं अपने आप को, इंशाअल्लाह मैंने, जैसे मैं अगर सियासतदान हूं, मैं उनके कद का तो नहीं बन सकता हूं, या जो भी उनके कद का बनेगा, मुझे लगता है गवर्नमेंट को इस एक रेजोल्यूशन, इस रिओर्गनाइजेशन टाइप जो हुई है उस टाइप का करना चाहिए, ग्रेवयार्ड्स एक्ट बनाना चाहिए कि भाई साहब ग्लोरिफिकेशन ऑफ ग्रेवयार्ड अलाउ नहीं होनी चाहिए, कि अब आप आज एक मुसलमान ने, चाहे सियासी पीडीपी हो, दूसरे मुसलमान को, गुलाम नबी आजाद साहब जो दूसरे सियासतदान है, मेरी नजर में एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को इसलिए फातह पढ़ने नहीं दिया क्योंकि यह एक सियासत है, आपस में सियासी रंजिश है, आपस में कोई रिश्तेदार उनका दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहा है या जो भी, यह बंद नहीं होगा। ये स्टेप जो इन्होंने उठाया है, इससे बहुत सारी गलतियां आगे होंगी हमारे मजहब में। मैं गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूं, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी के हेड हैं, गवर्नर साहब और आपकी इंतजामिया से गुजारिश करता हूं गवर्नर साहब, कि यहां जो भी ये
स्पेशल कब्रिस्तानों की एक रीत सियासतदान बना रहे हैं, यह खत्म की जाए और जहां जहां कोई ग्लोरिफाइड कब्रिस्तान बना है वहां पर आम इंसानों को दफन करने की जो भी विसिनिटी में होगा, ड्रॉ ऑफ लॉट के थ्रू होगा या जिस हिसाब से उन उन घरों में जो जो गुजरता जाएगा, जितनी वहां गुंजाइश होगी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे, ये मेहरबानी करके कर लीजिए। हमें इन ग्लोरिफिकेशंस की वजह से दीन में खतरा नजर आ रहा है, हमें इन ग्लोरिफिकेशंस की वजह से आपस में मुसलमानों को रंजिश बढ़ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत कहा, मुझे पूरा यकीन है इन दोनों पार्टियों के सियासी वर्कर मुझे टारगेट करेंगे अब, लेकिन मैंने गलत नहीं बोला। मुझे बताइए, आपने इतना बड़ा कब्रिस्तान शेख साहब के लिए वहां बनाया है, खुदारा मुझे यह बताइए इसमें दीनी इस्लाम में गुंजाइश कहां है। अगर कोई भी मौलवी, कोई भी मुफ्ती मुझे यह बताए, मुझे सेटिस्फाई करे, मैं माफी मांगूंगा अल्लाह ताला से भी और तमाम इनके वर्करों से, तमाम इनके खानदानी लोगों से कि मैंने गलती की। लेकिन अगर मैंने गलती नहीं की है, अगर मैं सच फरमा रहा हूं, तो मुझे बताइए, यहां तो शहीद मलगुजार है, वहां की शहीदों को हमने ग्लोरीफाई नहीं किया। यहां तो जो 1931 में शहीद हुए या उसके बाद जो भी हमारे 90 से जवान मरे उनको शहीद कहा जाता था, चाहे वो गलत रास्ते पे थे या सही रास्ते पे थे, लेकिन उनको गफलत में, उनको गलती किसी और ने कराई, लेकिन वो तो इनोसेंट थे ना, उनको हम ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं। इसको ग्लोरीफाई कैसे करोगे? हम जो हमारा पुलिस वाला लाइन ऑफ ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी शहीद हो रहा है, हम तो उसको ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं, तो इनको क्यों? गवर्नर साहब, ये मोतबाना गुजारिश है कि जो भी ग्रेव ग्लोरीफाई हो रही है उसको मेहरबानी करके ओपन कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि बीजेपी वाले भी इसमें आपको एतराज करेंगे, क्योंकि बीजेपी वालों और नेशनल कॉन्फ्रेंसियों और उनको बाकी तंजीमों के तो रिश्ते काफी क्लोज हैं, उनके रिश्ते काफी मजबूत हैं। लेकिन अगर आप हकीकत में ऑन मेरिट फैसला, आप दीनी कॉन्फ्रेंस बुलाइए, आप इसका बाजाबिता मुफ्तियों को बुला के ये फैसला कीजिए। वक्फ की चेयरमैन साहिबा हैं, उनको ओहदा मिला है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं दरक्षण जी से, डॉक्टर साहिबा आप बुलाइए मुफ्तियों को, उनको बोलिए कि मुझे बताइए सियासी ग्रेव की ग्लोरिफिकेशन की इजाजत है या नहीं है। अगर नहीं है तो शेख साहब के कब्रिस्तान के इर्द गिर्द मुझे लगता है आम इंसान को दफन होने देना चाहिए, मुफ्ती साहब के कब्र पर या बाकी, मुझे खुद याद नहीं है बख्शी साहब कहां दफन है, या जो वो मुजफ्फर शाह साहब के वालिद साहब वो कहां दफन है, गुलशाह साहब नहीं पता है। अगर उनकी ग्लोरिफिकेशन नहीं हुई तो इनकी ग्लोरिफिकेशन क्यों होगी? दीन इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। बाकी कश्मीरी समझदार हैं, उनको पता है कि इन्होंने सियासत कब्रों में भी जिंदा रखी है, कब्रिस्तानों में भी जिंदा रखी है। इंशाअल्लाह शेख मोहम्मद इमरान इस गंदी, इस रिवायती, इस खानदानी सियासत को खत्म करने निकला है, और शेख मोहम्मद इमरान और मेरे साथी, मेरे नौजवान, मैं उनको अपील करता हूं कि हम अब इस गंदी सियासत को जो इन्होंने पैदा होते ही करते हैं, खानदानी बाप दादा उसके बाद ग्रेव, हम इसको खत्म करके रहेंगे। बाकी कश्मीरी समझदार।